हमारे इस धरती पे 29% लैंड है, 71% पानी है, उसमें 1% फ्रेश वाटर पीने लायक एंड 70% खारा पानी या समुंदर है। समुंदर 70% है इस धरती पे। एंड फिर भी समुंदर के बारे में इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को या किसी को भी सिर्फ 2-4% ही, मतलब इतना विशाल समंदर और हमें कुछ नहीं पता। आज वो जो 2-4% का इंफॉर्मेशन है वो रख के हम एक मरीन टैंक शुरू करने वाले हैं, मतलब सॉल्ट वाटर एक्वेरियम। ये एक 6-8 पार्ट का सीरीज है, ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम इसका हार्डस्केप बनाएंगे, मतलब इसका जो रीफ है, पत्थर है, वो क्रिएट करेंगे। हार्डस्केप इज एन इजी वर्ड। यहां पे ये टैंक जो है 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट है, स्क्वायर या क्यूब टैंक है। फिल्ट्रेशन सेंटर में है, आजू बाजू पीछे कोई पाइप्स नहीं है। पानी इधर से ही अंदर आएगा और इधर से ही बाहर भी जाएगा। नीचे सम्प है। नाउ फिल्ट्रेशन का एक अलग वीडियो बनेगा नेक्स्ट पार्ट में। आज हम सिर्फ पत्थर लगाने वाले। ये एक्वा फॉरेस्ट का रॉक है, एक्वा फॉरेस्ट रॉक बोलते हैं। एक्वा फॉरेस्ट एक नामी कंपनी है मरीन प्रोडक्ट्स में, एंड उनका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। काफी सारे प्रोडक्ट्स में एक्वा फॉरेस्ट का यूज करने वाला हूं। ये एक्वा फॉरेस्ट रॉक है एंड इसको चिपकाने के लिए हम एक्वा फॉरेस्ट का ही स्टोन फिक्स करके एक सीमेंट यूज करेंगे। ये स्टोन फिक्स एक्वा फॉरेस्ट का सीमेंट है। नाउ इसके अलावा अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते हो तो एक दो और इंटरेस्टिंग मेथड्स है स्टोन को स्टोन से चिपकाने का। ओके, मैं वो भी बता दूंगा। नाउ यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो है ये टैंक में, बिकॉज फिल्ट्रेशन ऐसा सेंटर में है, पानी यहां नीचे से अंदर जाएगा और इधर से अंदर गिर के सम्प के अंदर जाएगा, सम्प से पानी यहां से बाहर आएगा। सो चैलेंज ये है कि जो हम स्टोन रखते हैं इसको ब्लॉक नहीं करना है, पानी को फ्लो इजिली जगह भी देना है। दूसरा, ऐसा सर्कुलर होने के वजह से हम स्टोन चिपका नहीं सकते, मतलब सिस्टम को चिपका नहीं सकते। इंडिविजुअली स्टोन और स्टोन चिपक सकता है, लेकिन अगर सिस्टम में चिपक गया तो कल मेंटेनेंस में तकलीफ होगा। ये पूरा जो टावर हम बनाएंगे यहां पे स्टोन का, वो हिलना चाहिए, मूव होना चाहिए, ताकि हम मेंटेनेंस इजिली कर सके। ये चैलेंजेस है। ये चैलेंजेस को मन में रख के हम इसका हार्डस्केप बनाने वाले हैं। आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मजा भी आएगा। एंड ऑफ कोर्स एज यूजुअल कुछ नया है मेरे लिए भी एंड आपके लिए भी, जो मरीन टैंक बनाने का ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए ये सीरीज मजेदार होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स जो ऑलरेडी मरीन टैंक रखते हैं, आपका कमेंट्स वगैरह हमें बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, कॉन्वर्जेशन अच्छा रहेगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो चलो इसका हार्डस्केप पे शुरू करते हैं। सो मेरे हिसाब से ये जो बड़े फ्लैट स्टोन से नीचे आना चाहिए, मतलब वो एक ट्री जैसा, बिकॉज नहीं तो लाइट ये नहीं होगा। अगर ऊपर बड़ा आता है तो देन नीचे शेड हो जाएगा, बट वो भी अच्छा दिखेगा ना, भी अच्छा है। शेड हो गया तो उधर जाके फिश बैठ सकता है, इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये केव भी अच्छा है सर, देखिए अच्छा। केव जैसा अच्छा है। नाइस, मतलब ऐसा केव जैसा बना सकते हैं। ग्राउंड सेंटर फ्लो, आउट फ्लो के इसमें हाँ हाँ
बट पाइप बाहर आएगा कि अंदर बैठेगा वो देखना पड़ेगा, बट पानी उसे में मारेगा ना आउटफ्लो, स्लाइटली बाहर आएगा ताकि विजिबल नहीं रहेगा पाइप। ठीक, चलो नाउ स्टेप वन, हमने ये जो आउटर पाइप है उसका एक और पाइप लिया है फार्मा या स्टेंसिल समझो, ये जो मार्किंग है यहां पे, ये पाइप जहां से बाहर आएगा आउट पाइप फिल्टर का, ये मार्किंग है। तो ये मोर ऑर लेस सेम पोजीशंस में है, पानी का कटिंग जो अंदर जाने के लिए और ये पाइप्स का मार्किंग। सो ये हमें अभी इसको रख के हम टैंक के बाहर काम कर सकते हैं, बिकॉज ये गंदगी का काम है। ठीक है, मट्टी है, सीमेंट है, मैं अंदर टैंक को गंदा नहीं करना चाहता। ठीक है, नाउ ये हार्डस्केप करने के लिए ऑफ कोर्स मैंने जैसे कहा था एक्वाफॉरेस्ट का स्टोन, एक्वाफॉरेस्ट का स्टोन फिक्स, ये सीमेंट जैसा है। ओके, हमारे पास यही एक्वाफॉरेस्ट का स्टोन का पाउडर किया है हमने, पाउडर है। ठीक है, ये बेसिक सिंपल पाउडर है। हमारे पास ग्लू, सुपर ग्लू, एक चम्मच और वाटी सीमेंट मिक्स करने के लिए। अगर चम्मच नहीं यूज कर सकते तो ये डिस्पोजेबल स्पून्स, डिस्पोजेबल नाइव्स आता है, वो इजी रहेगा। और ये डालने के लिए भी वो सीमेंट का काम करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको जो सीमेंट लगाते हैं, तापी। ओके, एंड सीजर, एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने समझाया था ये पाइप का फार्मा, एंड यहां पे नीचे जो प्लाई बोर्ड यूज किया है मैंने, ये एग्जैक्टली टैंक का साइज है, ताकि जब हम स्टोन रखते हैं हमें पता चले कि वो टैंक से बाहर जाने वाला है कि या ग्लास को टच करने वाला है, वो सब पता चलेगा। तो ये बॉटम प्लाई एग्जैक्टली टैंक का साइज, विच इज 2x2। ठीक है, तो ये सब हम करके फिर हम इसको उठा के अंदर रखेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। अभी मैं आपको दो इंटरेस्टिंग मेथड बताने वाला हूं स्टोन एंड स्टोन को चिपकाने का। ठीक है, फिर बाद में पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहले सीमेंट कैसे यूज करते हैं एक्वाफॉरेस्ट का, ये देखेंगे, एंड दूसरा पाउडर एंड ग्लू कैसे यूज करते हैं ये भी देखेंगे। ओके, तो अभी हम ये एक्वाफॉरेस्ट का सीमेंट खोलेंगे। अच्छा पैकिंग है, ये जिपलॉक वगैरह है, एंड एक्चुअली सीमेंट जैसा ही दिखता है, अपना रेगुलर घर बनाने का सीमेंट जैसा ही दिखता है। ये एक्वाफॉरेस्ट वाले कहते हैं कि 100 ग्राम्स सीमेंट एंड 50 ml वाटर, तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 ml कप है, तो प्लस माइनस ये 100 ग्राम्स है, थोड़ा ज्यादा लिया है मैंने, ये वाटी में डाला, एंड 50 ml वाटर, तो ये 15 ml का स्पून है, तो एक दो ये 30 हो गया, तीसरा 45, थोड़ा कम रखता हूं, बाद में चाहिए तो डालेंगे। ये मिक्स कर लेते हैं इसको, थोड़ा लगता है ज्यादा हो गया तो मैं थोड़ा और डालने वाला हूं, बिकॉज ये बहुत ड्राई है, दो चम्मच और डाल रहा हूं। ओके, दैट्स अनदर 30 ml, बिकॉज आई थिंक हाँ अभी ज्यादा सीमेंट जैसा ही दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ये कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ये कंसिस्टेंसी जो है, ये सीमेंट जैसा कंसिस्टेंसी ये जरूरी है। नाउ अगेन एक्वाफॉरेस्ट वाले कहते हैं कि ये कंसिस्टेंसी में 15-20 मिनट में चिपक जाएगा। चलो चिपका के देखते हैं, ये थोड़ा अलग किया तो अगेन ये दो स्टोन चिपकाने वाले हैं, ये इधर ऐसा स्टोन बैठने वाला है। ठीक है, तो यहां पे सीमेंट डालेंगे। ठीक है, संदीप थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं,
ये अभी पैटा है, थोड़ा और सीमेंट लगेगा बिकॉज वो उस एग्जैक्टली वो पोजीशन पे डाल। तो आई थिंक 15 मिनट या कुछ ऐसा लगेगा इसको चिपकने में। कुछ सपोर्ट देते हैं इसके ऊपर, या एक काम करते हैं, रुको 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 रुको, ये थोड़ा शायद ये इजी होगा ये करना, अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं। ये धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं। इसको अभी हम छोड़ देते हैं ऐसा, देखते हैं 15 मिनट में क्या होने वाला है। अभी ये चिपक रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको साइड करते हैं। संदीप साइड कर दो इसको, एंड दूसरा स्टिकिंग मेथड देखते हैं, ग्लू और ये एक्वा फॉरेस्ट स्टोन पाउडर के साथ। तो ये एक पीस हो गया, चलो ये वाला पीस और ये वाला डालें। तो अभी ये दो पीस पाउडर और ग्लू के साथ चिपकाएंगे। तो इसको थोड़ा ऐसा साइड करते हैं, तो ये दो पोर्शन यहां पे चिपकना है। ये देखो गैप है इसमें, ये चिपकना है। तो पहले इसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं, एक छोटा स्टोन वगैरह डाल दिया, यू नो उसी का स्टोन थोड़ा गैप में, ओके। एंड संदीप ग्लू पकड़ो, मैं यहां पे पाउडर डालता हूं, आप ग्लू डालना, ओके। तो ये मैं थोड़ा एक आधा चम्मच पाउडर ले रहा हूं और यहां पे इसके ऊपर मैं डाल रहा हूं। ये पाउडर थोड़ा क्रश है अच्छे से, पहले एक साइड वो चिपका देते हैं। ये आपको अभी वो केमिकल रिएक्शन दिख रहा है, फिर से थोड़ा सा इस तरफ पाउडर डालेंगे ताकि ये साइड स्टोन चिपक जाए। अगेन वो केमिकल रिएक्शन, धुआं निकल रहा है, थोड़ा और पाउडर डालते हैं, डालिए। नाउ एक और गैप है, इसको भी कवर किया और सेम प्रोसेस, ओके। नाउ ये एक्चुअली नॉर्मल लगने लगा है, यू नो, सो ये चिपक गया है, चिपक गया, सी दोनों पत्थर चिपक गया। नाउ सीमेंट से मेरे को ये थोड़ा इजी लगता है काम, फास्टर लगता है, बट डिसीशन आपका। सीमेंट से लंबा चिपकेगा। नाउ ये एक्वा फॉरेस्ट का जो स्टोन फिक्स सीमेंट है, टॉक्सिक फ्री है, कोई टॉक्सिसिटी कुछ भी नहीं है, मतलब फिश को या इन्वर्टिब्रेट्स या कॉरल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। बट हां एग्जिस्टिंग टैंक में सीमेंट यूज मत करना, ओके। एग्जिस्टिंग टैंक में अगर आप बनाते हो और एग्जिस्टिंग टैंक में डालना है तो पहले बनाओ, अलग से एक टैंक में रखो, थोड़ा क्योर होने दो, फिर आप अपने एग्जिस्टिंग टैंक में लेके आओ, ठीक है। इमीडिएटली सीमेंट यूज मत करना, एग्जिस्टिंग टैंक में प्रॉब्लम होगा, मतलब ऑलरेडी जो फिश है सेट है वैसे टैंक में। सो ये हमारा दो मेथड। चलो उस सीमेंट वाले का क्या हुआ जरा देखो भाई। नाउ ये सीमेंट वाला भी चिपका हुआ है, आई थिंक एक 10 मिनट हुआ या yeah? तो चिपक गया ये भी, बट मेरे को फिर भी डर लग रहा है। सो ये दो पीस हमारा रेडी हो गया। नाउ इसमें यहां ये साइड में भी मैं चिपकाने वाला हूं थोड़ा, ताकि वो इशू ना हो। चलो फिर से पाइप लेके आओ सामने, ओके। ये दो पीस हमारा रेडी हो गया। नाउ मेरा फिल्टर का आउटलेट पाइप यहां पे आने वाला है, ऐसे यहां पे आने वाला है। तो ये इधर इसको सपोर्ट करेंगे, ये इधर रहने दो, नो प्रॉब्लम। एंड इधर ब्लॉक कुछ नहीं कर रहा है, पानी ब्लॉक नहीं हो रहा है, राइट।
नाउ ये दूसरा पीस है, एक और पाइप, एक और फिल्टर पाइप। ये फिल्टर पाइप यहां पे दूसरा आने वाला है, सो हमारे पास यहां पे गैप है। तो चलो नेक्स्ट क्या करना है देखेंगे। ये पाइप इधर ही रखते हैं। ओके, अगला पीस यहां पे आएगा तो बस है, राइट। ओके क्या बोलता है संदीप? ये देखिए, ये फ्लो में आएगा। हाँ चलेगा, नॉट एन इश्यू। बट ये थोड़ा बड़ा स्टोन लो ना, बड़ा फ्लैट पीस लो। ये वाला ट्राई करते हैं संदीप, ये वाला देख अच्छा है। ये पाइप भी अंदर छुप जाएगा। ओके, नाउ ये मैंने देखा है कि स्टोन फिक्स के साथ काम करते टाइम आपको फटाफट काम करना है या इसको डीला बना के रखना है, मतलब पतला बना के रखना है। अगर मेरे जैसा कंसिस्टेंसी आप रखोगे तो वो जल्दी हार्ड हो जाएगा। ओके, तो वो कॉन्स्टेंटली मिक्स होते रहना है एंड आप कॉन्स्टेंटली यूज करते रहना है एंड फटाफट यूज करके फिक्स करना है। नाउ ये जो मरीन एक्वेरियम है, मैं सोच रहा हूं इसके अंदर कोई भी लाइव कॉरल्स नहीं होगा, ठीक है। लाइव कॉरल्स इज नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज बहुत समुंदर में कॉरल रीफ्स को खराब कर रहे हैं, इट्स नॉट गुड एंड अ लॉट ऑफ कॉरल्स आर इलीगल। ओके, तो आर्टिफिशियल ओआस का रीफ फॉरेस्ट डेकोर करके आता है, ओआस ब्रांड है जर्मन, तो इनका मैं थोड़ा ये जो भी डेकोरेशन आइटम है वो यूज करने वाला हूं। सो फॉर एग्जाम्पल ये मैं इधर डालूंगा, यू नो, इन दोनों के बीच में यहां पे, या यू नो इन स्टोन्स के बीच में यहां पे डालूंगा। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, नीचे उन्होंने वेट दिया है तो ये रहेगा, आप चिपका भी सकते हो। ओके, सो मैं यहां पे रख सकता हूं वो कॉरल या जो भी है वैसे ही दिखेगा। और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सामान है इसमें, ये पर्ल्स है और ये क्लैम्स है, ऐसा डेकोरेशन बनाया है, सुंदर है। देखते हैं कि अगर कहीं पे ऐसा यू नो इसको हम फिट कर सकें। सी, इट विल स्टार्ट लुकिंग वेरी नेचुरल। मेरे पास ओआस का और भी सारे डेकोरेशन है, उसी में आता है, वो डब्बे में आता है, बहुत मजेदार डेकोरेशन है, आप बाद में देख लेना एंड यू विल सी कितना इंटरेस्टिंग लगेगा। ये हम बना के फिनिश करेंगे एंड आप वीडियो के आखिर में देख सकोगे कि फाइनल फिनिश कैसा दिखता है। ये हुआ हार्डस्केप। अगले वीडियो में फिल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, ये फिल्ट्रेशन इतना यूनिक क्यों है, बहुत डिफरेंट क्यों है, इंटरेस्टिंग क्यों है, सब के बारे में बात करेंगे। उसका अगला वीडियो में हम पानी भरेंगे, पानी या सॉल्ट मिक्स करेंगे, बैक्टीरिया ऐड करेंगे, यू नो एंड बाकी का जो टेक्नोलॉजी है, ओके, प्रोटीन स्किमर, रिएक्टर वगैरह सब फिट करेंगे एंड सिस्टम को चालू करेंगे। नाउ फिश ऐड करने के लिए काफी सारा टाइम है बिकॉज इसका साइक्लिंग पीरियड समटाइम 60-90 डेज तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड आप क्या करने वाले हो। ऑल्सो फिश के लिए हम एक बहुत ही यूनिक जगह जाने वाले हैं, एक ब्रीडर के पास जाने वाले हैं, बॉम्बे में ही जाने वाले हैं, आप देखोगे कि वो ब्रीडिंग कैसे करते हैं एंड मैं चाहता हूं कि इसमें क्लाउन फिश हो, कुछ श्रिम्प्स वगैरह हो, इंटरेस्टिंग दिखेगा मेरा मानना है। बट आपको अगर कोई और चॉइस है तो जरूर लिखिए कमेंट्स में ताकि वो भी हम देख सके। नाउ मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सीखा, जाना, समझा एंड ऑफ कोर्स यू नो कुछ नया सीखने को मिला, एक नया ट्रायल है हमारा भी, देखते हैं। मैं मानता हूं कि हम सक्सेसफुल होंगे बिकॉज मैंने पूरा प्लान कर रखा है कैसे करने का। आप इस जर्नी में मैं कैसे बनाऊंगा, आप मेरे साथ ही रहोगे एंड आपका जो सपोर्ट है मुझे सक्सेसफुल बनाएगा जरूर। ओके, सो हमेशा की तरह
मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, आज संदीप एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। ये सीरीज मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा हफ्ते दर हफ्ते अपडेट्स मिलता जाए, बट एटलीस्ट 15 डेज वंस मरीन टैंक का अपडेट आ जाएगा एंड नया वीडियो आ जाएगा, ये मेरा कोशिश रहेगा। तो आप बने रहो, जुड़े रहो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, चलो, बाय बाय।